हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो रहेगी ये पत्राचार विद्यालय से जुड़ी हुई रहेगी। और देखिए, पत्राचार विद्यालय में ना पहले 9th में, 10th में, 11th में, 12th में एडमिशन होते थे। तो पिछले साल जो है केवल 10th और 12th में एडमिशन हुए हैं, ठीक है। तो इस बार बहुत से बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इस बार एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अभी तक ना कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि एडमिशन जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। और एडमिशन जो है ना इसके पत्राचार विद्यालय के, वो अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होते हैं, तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ओपन से करना चाहते हैं, आप एनएएस से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पत्राचार से करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त से स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है ना, जो सर्कुलर है, वो 15 जुलाई के आसपास ही आ जाता है। और NIOS में जो एडमिशन होते हैं ना, वो लास्ट डेट विदाउट लेट फीस जुलाई के एंड तक होते हैं। फिर अगस्त की 15 तारीख तक कुछ मामूली सा चार्ज लेते हैं, फिर उसके बाद फिर और चार्ज बढ़ जाता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप NIOS से करते हैं तो आप वेट करना चाहे वेट कर सकते हैं, जब तक आप स्कूल जा रहे हैं स्कूल जाते रहे, पढ़ाई करते रहे अपनी, या कोई और कोर्स करते रहे, टाइम वेस्ट मत करें बस, ठीक है। और ये डाउट आया हुआ है कि पत्राचार में कंपार्टमेंट का क्या करना है। देखो, कंपार्टमेंट का पेपर भी आपका CBSE के साथ ही होगा। जो बच्चे रेगुलर पेपर दे रहे हैं ना, वैसे ही आपका पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आपका भी जो पेपर है ना डियर स्टूडेंट, वो जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और जुलाई में देखो आपके फर्स्ट वीक में हो सकता है, या 15 जून के बाद आप मान के चलो। वैसे तो नॉर्मली जुलाई में होता है और अगस्त में रिजल्ट आ जाता है। बाकी अगर कुछ चेंज हुआ तो अभी CBSE का सर्कुलर आएगा ना, उससे क्लियर हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं, अगर मैं कोई भी CBSE की वीडियो बना रहा हूँ ना, और आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं, तो वो आपसे भी जुड़ी हुई है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी है। कुछ वीडियो अलग हो सकती है, जैसे रोल नंबर के रिगार्डिंग आपको पिन नंबर लेना है, जिसमें आप डिजीलॉकर से अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, वहां से अपनी मार्कशीट गेट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप चैनल के अंदर जाकर विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर में आगे कंटिन्यू स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा जैसे पत्राचार विद्यालय में विजिट कर रहा है, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन है उसके पास, तो वो शेयर कर सकता है, क्योंकि मेरा भी वहां रोज जाना पॉसिबल तो है नहीं। आप सब कि मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, ऐसी आपकी वजह से और बच्चों की हेल्प हो जाती है, बस ये एक सिलसिला चलता रहता है। तो इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।